अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फायज़ा नाज़ और अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे और खुश आबाद रखे। और आज एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी चेंज है। काफ़ी टाइम आप लोगों ने मुझे देखा होगा व्लॉग्स में कि मैं काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ बताती हूँ और मैं वही होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ और जिनका रिज़ल्ट मुझे लगता है कि हाँ इनका कुछ रिज़ल्ट है और विद आउट एनी हार्म, ठीक है। तो लेकिन कुछ दिनों से मुझे कमेंट मिल रहे थे कुछ इस तरह के कि आप कभी इस तरह की वीडियो बनाएं कि आप अपने जो डेली रूटीन या डेली बेसिस पे या जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो जो हैं आप शेयर करें। तो मैंने सोचा कि चलें आज एक वीडियो बना ही देती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी तो मैंने आज हिम्मत करके बनाई दी। तो ये मेरे कुछ डेली प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इनको यूज़ करती हूँ जब मुझे याद आ जाता है तब स्पेशली। अदरवाइज़ आपको सिंपली बताऊँ कि इतना टाइम नहीं मिलता कि इनको एक पंचुअलिटी से मैं यूज़ करूँ। जो बेसिक हैं वो तो चले आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपकी स्किन को नीड होती है और आपको वो करना लाजमी होता है, लेकिन कुछ जो हैं वो मसरूफियात की वजह से नहीं हो पाती। लेकिन एनीवेज आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने जो माय फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं और वो कौन से ब्रांड्स के हैं और मैं कौन सी यूज़ करती हूँ वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉइस्चराइज़र से। तो ये जो ब्रांड है वो है प्रोएक्टिव और बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये अमेरिकन ब्रांड है। और ये मैंने क्यों स्टार्ट किया था और मैंने किस तरह बाय किया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट्स देखिए और इनका मैं आपको ओवरव्यू भी दिया है मैंने, और अब मैं इनको आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये किस किस पर्पज़ के लिए है। मॉइस्चराइज़र आपको पता है नॉर्मली हम जो है वो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं और मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से मुझे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नो मैटर कि वो समर हो या विंटर हो, समर में नहीं लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सेकंड मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है प्रो एक्टिव का ही पोर टारगेटिंग ट्रीटमेंट। पोर्स का प्रॉब्लम हर किसी को होता है, किसी को कम होता है और किसी को ज़्यादा होता है। तो मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि जब आपको एक्नी का प्रॉब्लम होता है तो पोर्स का प्रॉब्लम यकीनन होता है। तो ये बहुत अच्छा जो है वो पोर टारगेटिंग ट्रीटमेंट मैं कहूँगी प्रोडक्ट है, जो कि मैंने जो है इसी के साथ ऑर्डर किया था। बेसिकली ये जो ब्रांड है मुझे पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ का बिल्कुल से आइडिया नहीं है, लेकिन ये अमेरिकन है और ये मैं जो है वो ये तकरीबन जो है वो मैंने कुछ महीनों से ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मॉइस्चराइज़र और इनका एक्नी जो है वो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मेरा जो सबसे अहम प्रोडक्ट है वो अभी ख़त्म हो गया है। मैं आपको उसके की जो पिक्चर अभी शो कर देती हूँ तो आगे चल के वीडियो में। लेकिन ये है क्लेरिफाइंग टोनर, ठीक है। ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया, थोड़ा ही यूज़ किया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी था, ये नेक्स्ट वाला है तो ये अभी इसलिए पैकेजिंग में ही था। तो ये भी बहुत अच्छा टोनर है। इनके प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि ये सारे एक्नी मेडिटेशन हैं। यानी अगर किसी को एक्नी का प्रॉब्लम है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, तो ये एक्नी मेडिटेशन है। आप जिस तरह के भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर ये चीज़ हो कि वो एक्नी को भी प्रिवेंट करते हैं, तो वो समझ लीजिए कि मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। क्योंकि एक्नी का प्रॉब्लम कम ज़्यादा या कभी से एक या दो सबको ही होता है, नो मैटर कि उसकी ड्राई स्किन है या उसकी ऑयली स्किन है। और ये अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, हमारा फोर्थ प्रोडक्ट जो है कि ये बेसिकली एक क्लेंज़र है जो कि मैं यूज़ कर रही थी दो हफ्ते पहले तो रेगुलर, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, आज इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। तो ये क्लेरिफाइंग क्लेंज़र है और क्लेंज़र आपको पता है आप लोगों की जो स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है, रोज़ यूज़ करें अच्छा है, लेकिन रोज़ नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, मुझसे तो नहीं हो पाता। बट एनीवेज़ ये क्लेंज़र है। दूसरा ये कि ये हम आ गए हैं फिफ्थ प्रोडक्ट की तरफ। ये
ये स्किन प्योरीफाइंग मास्क है जो कि मुझे उन्होंने एज अ कॉम्प्लीमेंट दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री यानी उन्होंने मुझे खुद से भेजा था, ये मैंने परचेज़ नहीं किया था, इसलिए ये छोटू सा है। तो अदरवाइज़ इनका जो ब्रांड है, ये प्रोएक्टिव जो ब्रांड है, ये कोई आप मत समझेगा कि मैं पता नहीं क्या कोई वो कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट या क्यों ना कुछ लोग समझें, तो ऐसा नहीं है, ये मेरे खुद के बाय किए हुए हैं और मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि मुझे जो है वो कोई स्पॉन्सर कर रहा है या कुछ। ये मेरे बेसिक हैं और ये सारे एक ही ब्रांड के हैं क्योंकि इनकी बेसिकली आती है किट, तो वो 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट्स पे जो है वो होती है, मतलब उसमें 3 से 4 प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप सिंगल ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, लेकिन बेसिकली इनकी जो डील्स होती हैं उसमें ये होता है कि आप किट वाइज लें, जैसे कि एक्नी ले रहे हैं, पोर टारगेटिंग ले रहे हैं या सेंसिटिव स्किन की तरफ ले रहे हैं, तो वो इनके अलग अलग कैटेगरीज़ हैं और उसके अलग अलग जो है वो मतलब प्रोडक्ट्स की एक वो बनाई गई है, यानी इस तरह से उसको प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं कि जिसमें आपके टोनर भी आ गया, क्लिंजर भी आ गया और स्क्रब भी आ गया और फेस जो है वॉश भी आ गया। मेरा फेस वॉश जो है वो फेस स्क्रब जो मैं कहूँगी वो अभी ख़त्म हो गया है और मेरी जो बेसिक जो बहुत बहुत कीमती और बहुत इफ़ेक्टिव वाली क्रीम थी जो डेबलिन इस जिसको कहते हैं एक्ने की, वो इतनी कोई इफ़ेक्टिव थी कि उसको मैंने जो है वो सिर्फ यूज़ किया था 1 हफ्ते और मेरी एक्ने ख़त्म हो गई थी। और दूसरा जो भी मैंने शेयर किया था वो था लोशन, जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं किया, वो ऐसी पैकेजिंग में ही है और ये इस ब्रांड का नहीं, ये क्लिनिक का है, लेकिन दिस इज़ माय मोस्ट 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 फेवरेट ऑफ द 1 प्रोडक्ट कि ये स्क्रब मुझे बहुत पसंद है, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और उसके बाद है मेरा मोस्ट फेवरेट क्लिनिक का ही मॉइस्चराइज़र। ये 2 चीज़ें जो हैं मुझे क्लिनिक की बहुत पसंद है, परफ्यूम्स भी पसंद है, लेकिन ये ब्यूटी या स्किन केयर में आप कहेंगे तो ये मेरा फेवरेट है। और दूसरा ये कि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये एनी टाइम जो है वो मैं मेरे बैग में होता है। और एक अभी जो क्रीम मैं आपके साथ शो करूँगी वो ये है प्रोसेलिना, ये दरअसल मैंने अभी कुछ ही 1 हफ्ते पहले ही आई थिंक सो मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो इसको मैंने अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इसको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। ये प्रोएक्टिव ब्रांड का नहीं है, ये एक दूसरे ब्रांड का है और ये इतना महंगा भी नहीं है, और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। जैसे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं जब आपके एक्नी होती है या कुछ भी हुआ तो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, स्पेशली मेरी एक्नी आती है साल में 1 दफ़ा रमज़ान के बाद, क्योंकि रमज़ान में यू नो आप लोग ज़रा लागू को पता है कि थोड़ी ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो उस वजह से मुझे एक्नी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लास्ट ईयर जो है वो मुझे थोड़ा एलर्जिक प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से जो है वो एक्नी मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो वो एक्नी ऐसी थी सिर्फ अंदर ही अंदर थी, बाहर नहीं मतलब वो दाने इस तरह के नहीं थे कि बाहर ज़ाहिर हो रहे हो, बहुत माइनर से ज़ाहिर होते थे, लेकिन स्किन के को देखा जाए गौर से तो उस पर होते थे। तो मैंने ये प्रोएक्टिव का जो है वो फर्स्ट वाला यूज़ किया था, जो इसकी किट है फर्स्ट किट यूज़ की थी, जो कि स्पेशली ही बना ही एक्नी के लिए है। इनके सारे प्रोडक्ट्स आप देख लेंगे वो सब काम करेंगे, लेकिन वो साथ ही साथ एक्नी को भी प्रिवेंट करेंगे। तो मैंने उसका डेबलिन और फेस वॉश और जो है ये मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये मैंने 4 चीज़ें यूज़ की थी, तो मुझे बहुत 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 अच्छा रिज़ल्ट मिला था विद इन अ वीक। तो फिर इसके बाद मैंने और भी चीज़ें इनसे ऑर्डर की, तो इस तरह से करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो गए। इनकी 3 तरह की किट्स हैं, अगर कोई US में रहता है और कोई इंटरेस्टेड है तो प्रोएक्टिव पे जाके आप अपनी स्किन के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये एक जो प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं नेट्रोजिना का, ये मुझे बहुत पसंद है, दिस इज़ फॉर द ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स इसलिए हो जाते हैं, कभी कभी हमारी स्किन जो है वो कुछ ज़्यादा ड्राई हो जाती है या हमारी स्किन पे जो है वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मॉइस्चराइज़र जो हर किसी के पास ही होता है और बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन है, तो पॉन्ड्स विच इज़ माई फेवरेट 1, 2 तो मेरा भी फेवरेट है। दूसरा ये कि प्रोएक्टिव का मैं आपको बता रही थी, तो प्रोएक्टिव की जो एक्नी वाला जो स्टार्टर किट है उससे मेरी जो है वो एक्नी ऑलमोस्ट विद इन 2 वीक्स में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उससे ये हुआ था कि मेरी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई होने शुरू हुई थी। लेकिन इन क्या मैं ये कहूँगी कि इनको जब आप ऑर्डर करते हैं तो ये कंप्लीट आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको एलर्जी तो नहीं है, आपको मतलब किसी किस्म की कोई सेंसिटिविटी का या कोई इशू तो नहीं है,
तो ये मुझे जो है वो इस ब्रांड की बहुत अच्छी बात लगती है। और अगर आपको कोई इशू हो तो वो कम्प्लीटली आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या हार्म हुआ, एंड देन वो फिर अपना सेकेंड सेंसिटिव वाला फार्मूला भेजते हैं जिसकी जो आपको रिकवर करने में, या आपकी स्किन अगर किसी भी वजह से कोई रिएक्शन हो गया हो, तो ये ब्रांड जो है वो कम्प्लीट आपको मतलब हेल्प करता है और फिर अपने दूसरा किट भेजता है जो कि रिकवर करता है। तो इसी वजह से मुझे जो है वो ये बहुत पसंद आया। तो गाइज, ये थी मेरी स्किन प्रोडक्ट्स की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।